हेलो लर्नर्स एंड आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगा पहला सप्ताह जनवरी का। मतलब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं पर डे, जो रोज़ाना हम एक एक डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस का सम अप करके कंसाइज रूप में हम इसमें वीकली वीडियोज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीकली में क्या होगा कि आपके सातों दिन के करंट अफेयर्स पूरे कंसाइज रूप में मैं उसमें सारे इसमें अच्छे से कर दूंगी। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि कभी कोई भी आपकी कोई पर डे में कोई वीडियो आपकी गैप हो रही है, आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप वीकली अगर इसे फॉलो करोगे तो क्या होगा कि हाँ, सप्ताह भर की चीज़ें जो हैं वो आपकी अपडेट हो जाएगी। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि हम इसमें थोड़े कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। लाइक ऐसे देखिए, जैसे नियुक्तियाँ हैं, अब हम क्या करते हैं कि जो डेली करंट अफेयर्स हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं कि किन्हें अवार्ड्स मिले हैं, कौन नए पद पे अपॉइंट हुए हैं, क्या और क्या चल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अपॉइंट्स जो है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें हम अलग पढ़ लेंगे, उसके बाद अवार्ड्स उन्हें हम अलग पढ़ लेंगे। इवन आप अगर नोटबुक लेके बैठे भी हो तो आप इससे क्या कर पाओगे कि आप इसमें नोट कर लो कि हाँ हाँ ये अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। मेनली यही होता है कि अपॉइंटमेंट्स में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कौन सा नाम है और डिपार्टमेंट्स कुछ कुछ मिलते जुलते हैं तो समझ नहीं आता, और नाम में कन्फ्यूज़न होता है और आंसर्स गलत करके आ जाते हैं। तो इससे एक एडवांटेज तो हो गई कि अपॉइंटमेंट्स पूरे एक साथ हमें मिल जा रहे हैं, अवार्ड्स एक साथ हमें क्लियर हो जा रहे हैं, और वन वन वीक के इस तरह के आप नोटबुक में रखोगे ना तो महीने के लास्ट में बस आप एक बार कॉपी चेक करो तो ये चीज़ें रहेंगी कि आपकी चीज़ें जो हैं वो अपडेट है। इवन जो मैं रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, और मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनके कमेंट्स में देखती हूँ। आप क्या कर रहे हो, अगर रेगुलर उस वीडियो को देख रहे हो ना तो लास्ट में इस वीडियो को देख लो, इससे क्या होगा कि आपकी वो चीज़ें रिविज़न हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अब हम इसमें शुरू करेंगे। 108 इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं, और ये हो गया जनवरी के पहले वीक का क्वेश्चन, मतलब 1 to 6। ठीक है, अब 1 से 6 जनवरी के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी नैना दुबे। आप मुझे अनअकैडमी ऐप जो है वहाँ भी नैना दुबे के नाम से फॉलो कर सकते हो। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स, एंड हमारा पहला क्वेश्चन है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम है सुधीर भार्गव। ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे सी, सुधीर भार्गव जी, जो कि मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुध निर्माणी महानिदेशक और आयुध निर्माणी बोर्ड का अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। तो ये संभाला है सौरभ कुमार ने। ऑप्शन है हमारे ए, सौरभ कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है सी, प्रवीण कुमार को, और ऑप्शन है बी। नेक्स्ट वन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम है जेयर बोल्सनारो। ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट वन, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम है थोट्टाथिल बी राधाकृष्ण। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की जो उच्च न्यायालय है वो अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो इसके नए, और आंध्र प्रदेश वाला जो उच्च न्यायालय है वो हमारे देश में बनने से अब हमारे देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। इवन अगर आप चाह रहे हो कि डिटेल में जाऊँ तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, इवन अभी भी आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ और अपडेट करना चाहिए, कुछ और मिस्टेक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियोस में ऐड करूँगी। नेक्स्ट है हमारा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है यूके सिन्हा, और ऑप्शन है हमारे बी। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र के ऋणदाता RBL बैंक जो है, जो प्राइवेट लोन करती हैं, को किसके ने किसको अपना मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तो इनका नाम है पंकज शर्मा, और ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कार्यवाहक उपरक्षा सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम है डेविड नॉर्विस्ट। ऑप्शन है डी, डेविड नॉर्विस्ट। नेक्स्ट है, LIC के अंतरिम चेयरमैन के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है हेमंत भार्गव। इसलिए मैंने कहा था, पहला हम जो पढ़ रहे थे उसमें थे CIC के जो सुधीर भार्गव हुए हैं, अब यहाँ हेमंत भार्गव हुए हैं। नाम कन्फ्यूज़न है, भार्गव टाइटल याद रहा तो एग्ज़ाम में तो हम गलत टिक करके आ जाएंगे ना, इसलिए मैंने कहा कि आप एक नोटबुक बनाइए और उसमें आप सारा कॉलम वाइज जो है अपना नोट्स रेडी कर सकते हो। अदरवाइज देखिए, टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ भी आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएंगी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है। तो ये संभाला है छबिलेंद्र राउल ने, और ऑप्शन है डी।
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधेयक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं जस्टिस ए के सीकरी, ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट वन, भारतीय सेना की गजराज कौर अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? गजराज कौर अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं मनोज पांडे जी, ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, किसको महिला T20 का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो महिला T20 टीम की कप्तान नियुक्त हुई है स्मृति हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे डी। हरमनप्रीत कौर महिला T20 के कप्तान नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? CCI। तो ये नियुक्त हुए हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में, जो नियुक्त हुए हैं ना, इनका नाम है ए प्रमोद कुमार सिंह, ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए प्रमोद कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अंबिका प्रसाद पांडा, ऑप्शन है सी अंबिका प्रसाद पांडा। और हाँ, ये भी आप ध्यान रखिए कि SECL जो है ना, ये कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन जो है वो नियुक्त हुए हैं विनोद कुमार यादव जी, ऑप्शन हो जा रहे हैं ए। नेक्स्ट है, किनको एक्सिस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? अब देखिए, हम जान रहे हैं कि एक्सिस बैंक की जो CEO और प्रबंध निदेशक थी, MD जो थी, वो थी शिखा शर्मा जी। वो 31 दिसंबर 2018 को अपने पद से रिटायर हो गई हैं। अब जो नए एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है अमिताभ चौधरी, और ऑप्शन हो जा रहे हैं बी अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, फेडेक्स एक्सप्रेस के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है राजेश सुब्रमण्यम जी, ऑप्शन है ए। और फेडेक्स एक्सप्रेस जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ी कुरियर कंपनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे उपरक्षा मंत्री को देश का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया है? तो देखिए, ये जो उपरक्षा मंत्री हैं, जो कि देश के कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त हो गए हैं, इनका नाम है पैट्रिक सनहान, और ऑप्शन है हमारे ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये हैं छागरी प्रवीण कुमार। आंध्र प्रदेश में जो उच्च न्यायालय बनने से हमारे देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय हो जा रहे हैं, और इनके न्यायाधीश का नाम है छागरी प्रवीण कुमार, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति चोलेंद्र शमशेर JB राणा ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? मतलब न्यायमूर्ति जी चोलेंद्र शमशेर JB राणा जो हैं, ये नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ठीक है, अब देखो यहां तक में क्या हुआ, 21 क्वेश्चन हमने किए अपॉइंटमेंट्स के, तो इससे हमारे क्या हो गए कि हाँ, अब इस एक वीक के, मतलब इस एक हफ्ते में जिसके जिसके अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो हाँ, हमें अब सब आते हैं, सारे हमारे क्लियर हैं। यहाँ तक में आप मुझसे एक वीक में, आप में इतनी कॉन्फिडेंस आएगी तो आपको ये लगेगा कि हाँ, इस वीक में आप कुछ भी पूछो तो हम बता सकते हैं कि नए अपॉइंटमेंट्स कौन से हुए। ये इसके बेनिफिट्स थे। ठीक है, अब देखो हम बात कर लेंगे अवार्ड्स के, अवार्ड सम्मान या पुरस्कार जो भी कह लीजिए, उपलब्धियाँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन 19,000 और अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये हैं विराट कोहली, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए। नेक्स्ट है, किन्हें खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन्हें प्रदान किया गया है एस विजय कुमार, ऑप्शन है हो रहे हमारे बी एस विजय कुमार। इन्हें गोइंग के एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, कौन सा राज्य एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग आई है, इसमें जो सबसे ऊपर राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन है ए। किस राज्य सरकार ने पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार जीता है? केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड का पुरस्कार जीता है आंध्र प्रदेश ने। किस लिए? पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत। या ये परियोजना क्या है, देखिए ये गोदावरी नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है। एंड द थिंग, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप चाह रहे हो, बहुत बच्चे आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि इतनी बड़ी सी क्या क्वेश्चन है, पोलावरम बहुउद्देश्य परियोजना है क्या? तो देखिए, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख पाएंगे, पोलावरम परियोजना मैंने बहुत डिटेल में उसे बताया है, तो आप वहाँ से उसे समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ मैं डिटेल क्यों नहीं बोल रही हूँ ना, क्योंकि वो चीज़ें बहुत बोरिंग लगेगी। अगर हम 110 क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो आप भी 10 क्वेश्चंस पढ़ के बोलोगे नहीं, और नहीं हो रहा है। बट इसमें क्या है, हम तो चीज़ें को रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आप बस क्वेश्चन देखिए और आंसर बताते जाइए। किस नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रैंकिंग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राजधानी चुना गया है? तो ये देखिए, ये है हैदराबाद, और ऑप्शन हो जा रहे हैं डी।
नेक्स्ट है, कौन माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं? तो पहली दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट विंसन मतलब अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर अपनी चढ़ाई कंप्लीट कर ली है, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा और ऑप्शन है ए अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनिंदिता नियोगी अनाम को, ऑप्शन है हमारे सी। और देखिए ये कथक की बहुत ही जानी मानी नायिका है, इनका योगदान रहा है कथक को पूरी दुनिया में प्रचलित करने का, इस योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार और उड़ीसा के जो कटक है वहाँ नृत्य समारोह जब हुआ वहाँ उन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है वाहेंग बाम लमनगांबा सिंह और ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे सी। नेक्स्ट है, किनको नेशनल जियो स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2017 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जयंत कुमार घोष, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है कि किस फिल्म को एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु विचित्र फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? लघु विचित्र मतलब ये फिल्म जो है ना ये केवल 7 मिनट की फिल्म है और इन्हें एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है लघु के लिए मतलब छोटी पिक्चर के लिए, जैसे कि मैंने कहा ये केवल 7 मिनट की फिल्म है। इसका नाम है फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, अगर आप डेली वीडियोज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किन्हें नवाजा गया है? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर जो पुरस्कार होता है ना ये फुटबॉल से संबंधित होता है, ये मिला है लुका मॉड्रिक को, ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे डी लुका मॉड्रिक। किसने वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वुमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड वुमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर ये जीता स्मृति मंधाना ने, ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे बी स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है ड्रोन ओलंपिक के लिए, अब देखिए यहाँ तक में क्या हुआ, यहाँ तक में हमने अवार्ड का भी जो सेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया, अपॉइंटमेंट्स हमारे हो गए 1 वीक के अपडेट, सम्मान हमारे जितने भी अवार्ड्स थे वो हो गए हमारे 1 वीक के अपडेट। अब हम पढ़ रहे हैं जो रेस्ट न्यूज़ थे सारे। ड्रोन ओलंपिक के लिए एक नया डिज़ाइन किया गया वेब पेज जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? https://aeroindia.government.in/drone जो है ये हमारी रक्षा मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है किनके द्वारा साइबर सुरक्षा पर छात्रों के लिए एक पुस्तक जारी की गई है? साइबर सुरक्षा पर पुस्तक जो जारी की गई है ये गृह मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन है ये। इसमें जो फेसबुक पे जो अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं और स्कूल के बच्चे जो उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उससे आपको अवेयर करवाने के लिए सावधान करवाने के लिए साइबर सुरक्षा ने छात्रों के लिए ये पुस्तक को जारी किया था, गृह मंत्रालय ने सॉरी। ठीक है, किस राज्य में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो देखिए राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी सिप जो है ना ये आपकी देखिए ये 31 दिसंबर से शुरू हुई है, 6 जनवरी तक चली है और ये कर्नाटक में हुई है, ऑप्शन है हमारे डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में, ऑप्शन हो जाते हैं ये भुवनेश्वर। नेक्स्ट वन, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव आयोजित किया जाएगा? ऊँट उत्सव जो है वो राजस्थान में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन हो जा रहे हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर टेस्ट शतक जड़ने वाले पहले एशियाई विकेट कीपर के तौर पर रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है ऋषभ पंत, ऑप्शन है ए ऋषभ पंत। ठीक है, नेक्स्ट वन, किस देश द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान के क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से कार्य करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित द्वारा सम्मानित किया गया है? मतलब इस क्वेश्चन में समझिए ये लड़कियां जो है ना इन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में धुरंधर कार्य किए हैं जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे बी ऑस्ट्रेलिया। आप इन्हें देख सक रहे हैं पिक्चर में, ये 3 वैज्ञानिक हैं, ये हैं अनिशा पटेल, ये है देविका कामत और ये है आशा राव। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने 5 प्रतिष्ठित स्थलों के लिए एक मोबाइल ऑडियो गाइड ऐप के विकास के लिए मैसर्स रेसबर टेक्नोलॉजी के साथ समझौते किए हैं? तो मैसर्स रेसबर टेक्नोलॉजी के साथ समझौते किए हैं, ये किया है इन्होंने पर्यटन मंत्रालय ने, ऑप्शन हो रहे हैं हमारे सी पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किनके द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत
कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी। ये नितिन गडकरी के द्वारा रखी गई थी, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, किस शहर में राष्ट्रपति ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये इन्होंने किया मुंबई में, ऑप्शन हो जा रहे हैं सी, 28 मुंबई में इन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने अगले 4 वर्षों में भारत के साथ रामेश्वरम अरब सागर को फिर से जोड़ने के लिए भारत के पहले लिफ्ट पुल के निर्माण की घोषणा की है, ये किया गया है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि वो फिर से रामेश्वर अरब सागर को जोड़ने के लिए ये पहला लिफ्ट पुल बनाएगी अगले 4 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 8 दिवसीय 11वां बैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होगा, तो देखिए जैसा कि आप यहाँ बैंगलुरु देख पा रहे हो तो ये कर्नाटका में शुरू होगा और ऑप्शन है हमारे कर्नाटका, आप यहाँ देख पा रहे हैं इस पिक्चर में भी। किस राज्य में रसगुल्ला के आविष्कारक के डाक टिकट के लॉन्च के साथ रसगुल्ला उत्सव का उद्घाटन किया गया है, और इनका जो रसगुल्ला के उद्घाटन थे, देखिए पहले बात तो ये समझ लीजिए कि रसगुल्ला उत्सव जो मनाया गया ये कोलकाता में मनाया गया 3 दिनों का, तो ऑप्शन तो हमारे हो जाते हैं ये कोलकाता। इसके साथ ही साथ नोबिन चंद्र दास ये रसगुल्ला के इन्वेंटर थे, KBC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पता है कि रसगुल्ला के इन्वेंटर का नाम बताइए, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए आप एक्स्ट्रा में। किस राज्य में छप्पाराम त्यौहार मनाया गया, छप्पाराम त्यौहार मनाया गया आपके तमिलनाडु में, ऑप्शन हो जा रहे हैं बी, छप्पाराम त्यौहार, ये रथ त्यौहार भी कहते हैं, रथ उत्सव कहते हैं, जहाँ मीनाक्षी मदुरई में जो मीनाक्षी टेम्पल है वहाँ जो रथ ले जाया जाता है जब देवी मीनाक्षी का, तो भक्तों द्वारा ही उसे खींचा जाता है, वो वहाँ की खूबी है, तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देख भी पा रहे हैं इस पिक्चर में, ई मलखान परियोजना के तहत कौन से पुलिस राज्य के हर पुलिस स्टेशन में सभी मलखानों को डिजिटल करने के लिए देश की पहली पुलिस बन गई है। अब ये समझ लीजिए ई मलखान क्या है, जितने भी जब्त किए हुए हथियार होते हैं ना, उन सबको इस रूम में रखा जाता है, जैसे ई मलखान हम कह रहे हैं, और इसके लिए जो पहली पुलिस बल बन गई है डिजिटल करने के लिए पूरे देश में, वो हो गई है दिल्ली, ऑप्शन हो जा रहे हैं ए। नेक्स्ट है, किस देश की एयरलाइन हाई फ्लाई ने सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री फ्लाइट की शुरुआत की है, मतलब इस ये समझ लीजिए कि इस देश ने अपनी एक एयरलाइन हाई फ्लाई को स्टार्ट किया, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने प्लास्टिक का कहीं कुछ यूज़ ही नहीं किया, जितने भी कंटेनर कप जितने भी होते हैं वो उसमें प्लास्टिक यूज़ ही नहीं हुआ, मतलब बिना प्लास्टिक की इनकी वस्तुएँ यूज़ हुई हैं, और ये है पुर्तगाल, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने हनी बी योजना का विस्तार देश के अन्य क्षेत्रों में करने की घोषणा की है, हनी बी परियोजना है क्या, मैं बताऊं? देखो ये स्पेशली ना, पहली बात तो ये है, हनी बी योजना अगर आती है तो आप समझ जाओ कि ये हाथी के लिए बनाई गई थी ये योजना, जितने भी रेलवे ट्रैक होते हैं ना जब उस पर हाथी आ जाती हैं, आप यहाँ देख पाओ, देखो ये हाथी आ रही है, ठीक है, मान लीजिए इधर से ट्रेन आती है तो इसमें क्या होती है कि ये हाथियों की मौत हो जाती है, इनके बचाव के लिए रेलवे मंत्रालय ने इसे स्टार्ट किया, ठीक है, पहली ये अन्य क्षेत्रों में स्टार्ट करने की जो घोषणा की गई है ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा की गई, तो ऑप्शन हो जा रहे हैं डी। अब देखिए हनी बी में होता क्या है, ये जो रेलवे ट्रैक है ना इसके दोनों किनारों पे मधुमक्खियों की ध्वनि की एक सिस्टम लगी होती है जो ना पूरी एम्पलीफाई होती रहती है, तो जैसे ही हाथी यहाँ आते हैं ना तो मधुमक्खी की जो ध्वनि होती है उस सिस्टम से एम्पलीफाई होने लगती है, मतलब पूरे क्षेत्र में फैलने लगती है, तो उसके आवाज़ से ये जो हाथी है ना आगे बढ़ते हुए भी ये पीछे खसक जाते हैं, तो इससे क्या होता है इनका बचाव हो जा रहा है, समझ आ गई चीज़ें, ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की गई है, ये की गई नितिन गडकरी जी के द्वारा, ऑप्शन उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल, ऑप्शन है ए। आप यहाँ एक करेक्शन कर लीजिए, ये जो उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन है ना इसकी पहल की गई धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, ऑप्शन है डी। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है, और उन्होंने महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य पर अवगत कराने के लिए, उसमें शिक्षित कराने के उद्देश्य से उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन स्टार्ट की थी, जो कि एनवायरमेंट के लिए भी अनुकूल और कम पैसे में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किनके द्वारा की गई है, हम जान रहे हैं हाल ही में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया है, ये मोदी जी के द्वारा की गई है, ऑप्शन है डी, मोदी, नरेंद्र मोदी जी। और आप यहाँ देख पा रहे हैं रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया, अनवील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस राज्य की सरकार एक आध्यात्मिक विभाग बनाएगी, मतलब यही समझ लीजिए वहाँ के जितने विभाग हैं ना वो सबका विलय करके एक आध्यात्मिक विभाग बनाएगी, और ये बनाएगी मध्य प्रदेश की सरकार। ऑप्शन हो जा रहे हैं मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम। मध्य प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि वहाँ की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है कमलनाथ जी, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, राष्ट्रगान है कान्हा, पेंच और बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। शेख हसीना ने किस देश के पीएम के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और इन्होंने तीसरा कार्यकाल भी जीत लिया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इस पिक्चर में शेख हसीना जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एशियाई देश ने जैव विविधता पर सम्मेलन की 6वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंपी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जैव विविधता पर, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं ना, मान लीजिए कि उनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना घटाव हुआ है, ये सारी चीज़ों पे एक रिपोर्ट बनती है और ये 6वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट जो है ना ये भारत ने सौंपी है। तो ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृणाल सेन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये जाने माने फिल्मकार थे। ठीक है, मैक्सिमम पिक्चर्स तो इन्होंने बंगाली में ही बनाई है बट ये बहुत ही जाने माने थे, तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये फिल्म से संबंधित थे, सिनेमा जगत से संबंधित थे। ऑप्शन है ये सिनेमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है, तो चावल अनुसंधान केंद्र के जो दक्षिण एशिया क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है ये किया गया है वाराणसी में, और ऑप्शन हो जा रहे हैं ये वाराणसी। नेक्स्ट वन, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश। देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा, एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश बहुत ही विशाल राज्य है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इतिहास से चली आ रही है प्राचीन काल से, और अब ना कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ वस्तुएं हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं, तो सरकार ये चाहती है कि वो चीज़ें लुप्त न रहें, भविष्य तक चलें, तो उनके संरक्षण के लिए उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अवनगार्ड नामक हथियार डिलीवरी सिस्टम का परीक्षण किया है, तो अवनगार्ड नामक हथियार डिलीवरी सिस्टम जो है ये रूस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन है सी रूस। अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एसिस्ट्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम पुस्तक के लेखक कौन है। ये बुक आई थी अर्ली इंडियंस, जिसमें हमारे भारत के, हमारे देश के जनसंख्या जो है ना उनके इतिहास के बारे में वर्णन है, ये लिखा गया है टोनी जोसेफ के द्वारा। ऑप्शन हो जा रहे हैं डी टोनी जोसेफ। नेक्स्ट वन, हाल ही में कैबिनेट में पोक्सो अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है, ये अधिनियम किससे संबंधित है, ये इसमें ये कहा गया, मान लीजिए पोक्सो अधिनियम में जो संशोधन हुई है ये किससे संबंधित है, ये है बाल यौन शोषण के विरुद्ध, और इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए 18 वर्ष से अगर कम बच्चे, वो लड़की हो या लड़का हो, उसके साथ अगर यौन शोषण हो रहा है तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस राज्य में अपने पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी आया टर्मिनल को चालू करेगा, ये करेगा तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जा रहे हैं तमिलनाडु। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ का 44वां वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, तो ये होगा कोच्ची में। ये पहली बार है जब ये भारत में हो रहा है, ये भी आप ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ जो है अभी तक भारत में नहीं हुआ था, तो ये पहली बार है ये जो कोच्ची केरला में, केरला में पड़ता है कोच्ची, वहाँ ये 44वां वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। ऑप्शन है बी। गृह मंत्रालय ने किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो फाइनली ये प्रयागराज का, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, ऑफिशियली नोटिस है ये आप ध्यान रखिए। ऑप्शन है ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसके चेयरमैन है के सिवान जी ने किस क्षेत्र में छात्रों के साथ संवाद नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये इन्होंने किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन है ये। अब देखो इसके तहत क्या होगा, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें हमारे देश के जो यूथ है, जो युवा है, अब वो वैज्ञानिक, मतलब उनकी जो वैज्ञानिक सोच है उससे वो अवगत होना चाह रहे हैं कि किसमें कितना वैज्ञानिक टैलेंट है, साइंटिफिक टैलेंट को जांच करने के लिए इन्होंने संवाद विद स्टूडेंट स्टार्ट किया है, ये बैंगलोर में की गई है। किस बैंक के सीईओ और एमडी शिखा शर्मा 31 दिसंबर 2018 को रिटायर हो गई, तो देखिए ये थी एक्सिस बैंक के सीईओ और एमडी, और जो नए सीईओ और एमडी नियुक्त हुए हैं इनका नाम है अमिताभ चौधरी, ये भी आप याद रख सकते हो। 1 जनवरी 2019 से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य नहीं होगा, तो ये है कतर। एलएनजी के लिए ये मतलब बहुत ही दुनिया का निर्यातक देश है कतर, और ये जो है ओपेक का हिस्सा नहीं होगा, ओपेक। कौन सा देश वर्ष 2018 के अंत में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन से अलग हो जाएगा। अब देखो जैसा कि हम जान रहे हैं यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है,
तो देखिए, यूनेस्को है जो कि विश्व के जितने भी धरोहर है ना उसके वो संरक्षण करता है, ये यूनेस्को का काम है। यूनेस्को से दो राज्य जो है वो अलग हो गए हैं, पहला है अमेरिका, दूसरा है इसराइल। याद रखिए, अमेरिका और इसराइल दोनों यूनेस्को से अलग हो गए हैं। किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन है सी आंध्र प्रदेश। किस राज्य द्वारा हाल ही में गौ कल्याण सेस लगाए जाने की घोषणा की है? सेस मतलब टैक्स, और इस टैक्स से क्या होगा कि जितने भी गायें आवारा जो घूम रही हैं रोड पे, उन्हें एक स्थान दिया जाएगा और उनके संरक्षण के कार्य किए जाएंगे इस टैक्स के सुविधा के अनुसार, और ये किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस आसिफ सैयद खोसा ने किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला है पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला है, जस्टिस आसिफ सैयद खोसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाएं शुरू की? तो ये हरियाणा की सरकार ने की है। जहां भी सरस्वती नदी की बात आए आप समझ जाना ये हरियाणा की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसयू तेल कंपनी EIL एंड किस IIT के बीच तेल गैस और ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते किए गए हैं? तो ये किया गया है IIT बॉम्बे के जो है, और जितने भी पीएसयू तेल कंपनियां हैं इनके बीच ये हस्ताक्षर हुई है। ठीक है, कोच रामाकांत आचेरकर का संबंध किस खेल से था? अब देखिए, इनका निधन हो गया है और इनका संबंध था क्रिकेट से। ये सचिन तेंदुलकर के पूर्व कोच रहे हैं। ठीक है, कोच रामाकांत आचेरकर जी, इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नवीन पटनायक ने लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों के समग्र विकास के लिए 10,180 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है? नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों के समग्र विकास के लिए योजना शुरू की। तो ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए उड़ीसा। ये रहे नवीन पटनायक जी, आप इस पिक्चर में इन्हें देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की महिलाओं ने सबरीमाला विरोध के खिलाफ लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए 620 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है? तो ये है केरल की महिलाएं। सबरीमाला मंदिर पे जो विरोध चल रहा था उसके लिए उनकी जो लैंगिक समानता है उसे बनाए रखने के लिए उन्हें 620 किलोमीटर लंबी दीवार बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि कृषक बंधु योजना के तहत हिस्से के रूप में किसानों को दो कल्याणकारी पहल की घोषणा की है? तो कृषि कृषक बंधु योजना ये पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है ये पश्चिम बंगाल, आप यहाँ देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल के द्वारा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, इन किस तीसरे बैंक के विलय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही मंजूरी दे दी है? ये बहुत दिनों से न्यूज़ में थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और विजया बैंक का विलय हो जाएगा, ऑप्शन है बी। तो इन्हें ऑफिशियली मंजूरी भी मिल गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, और ऑप्शन है बी विजया बैंक। केंद्र सरकार के अनुसार किस योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए हैं? तो याद रखिए, जो गैस कनेक्शन मुफ्त जो फ्री वाले बांटे जा रहे हैं ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बांटे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने शिक्षकों के ट्रांसफर को सरल बनाते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? मतलब ये समझ लीजिए कि जितने भी मान लीजिए टीचर्स के जो ट्रांसफर्स होते हैं ना वो ऑनलाइन होंगे अब, ये पंजाब के द्वारा किया गया है। ऑप्शन है सी पंजाब, पंजाब के मुख्यमंत्री हरमिंदर सिंह जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है पंजाब के जलंधर शहर में, ये आप ध्यान रखिए, जलंधर में हुआ है, पंजाब के जलंधर में, और ऑप्शन हो जा रहे हैं सी पंजाब। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? साइबर सुरक्षा मुद्दे को लेते हुए भारत ने मोरक्को के साथ हस्ताक्षर किए हैं, ऑप्शन है ये मोरक्को। नेक्स्ट है, मोरक्को के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि इसकी राजधानी है रबत, प्रधानमंत्री है सायदा दीन ओतमानी और मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने राज्यों में 100% घरों का विद्युतीकरण पूरा हुआ है? तो देखिए, ये 25 राज्य हैं जहां 100% विद्युतीकरण मतलब बिजली की व्यवस्था जो है पूरी कर दी गई है, और ऑप्शन है ए 25। सौभाग्य योजना आप जान रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर बिजली योजना है, जिसके तहत इनका उद्देश्य है कि हर घरों में बिजली पहुंचाना है। किस राज्य सरकार ने सौभाग्य रथ एक विशेष अभियान शुरू किया है? अब देखिए, सौभाग्य रथ जो है ना ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये जो रथ है ये पूरे गाँव में पूरे शहर में घूमेगी और पता लगाएगी कि किस शहर में बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ वो बिजली की कनेक्शन प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ने किस मैसेजिंग ऐप के माध्यम से
ग्राहकों को पॉलिसी और नवीनीकरण प्रीमियम देना शुरू किया है, तो व्हाट्सएप के जरिए से वे पॉलिसी अपना और प्रीमियम जो है वो उसका भुगतान शुरू करेंगे। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे, और भारतीय एक्सा के बारे में मैं एक बात बता दूं, वहाँ के जो मुख्य परिचालन अधिकारी हैं ना, इनका नाम है शीता मुखर्जी और MD और CEO है विकास सेठ। नेक्स्ट है, किस IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा दूध की ताजगी का पता लगाने के लिए पेपर सेंसर विकसित किया गया है। इस पेपर सेंसर के थ्रू वो क्या करेंगे कि दूध कितने दिनों का है, बासी है या ताज़ा है, ये चीज़ें पता लगाया जा सकेगी। और ये किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा, ऑप्शन हो जा रहे हैं C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय तूफान जिसने मनीला में फिलीपींस के बिकॉल क्षेत्र में तबाही मचाई है, ये देखिए ये बहुत ही भयंकर तूफान आया था, यह आया जिसका नाम है उस्मान, जिसने फिलीपींस में तबाही मचाई है, इसका नाम है उस्मान, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने दुलाई थावी बैराज परियोजना आरंभ की है, ये इन्होंने किया है मणिपुर में, ऑप्शन हो जा रहे हैं बी, दुलाई थावी बैराज परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया 4 जनवरी को पहली बार, ऑप्शन है बी 4 जनवरी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस पदार्थ में खाद्य वस्तुओं की पैकेजिंग पर रोक लगाई गई है, मतलब जो खाने की वस्तुएं हैं अब इन चीज़ों में वो पैक नहीं होंगी, ये लगाया गया है अखबार में, ऑप्शन है ए अखबार। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2019 के अनुसार किस कक्षा तक नो डिटेंशन नीति वापस लेने संबंधी विधेयक को संसद में पारित किया गया है। इस क्वेश्चन में ये बात आ रही है ना कि देखिए क्लास 8 तक के बच्चों को अगर मान लीजिए वो पास नहीं हो रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आप उसे पास कर भी सकते हो, और अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं तो उनके री एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, इसके लिए नो डिटेंशन नीति वापस ले ली गई है, तो इसे संसद में पारित किया गया, तो क्लास 8 तक के बच्चों को, ऑप्शन हो जा रहे हैं ये कक्षा 8वीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ रहे हैं, केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को किस 21वें वार्षिक उत्सव के लिए खोला गया है, इसका नाम है मकरविलक्कू, इसका 21वां वार्षिक उत्सव मनाया गया है केरल में, और ऑप्शन है डी मकरविलक्कू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सरकार ने पेशावर स्थित पास सरोवर वाले किस प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है, ये देखिए बहुत ही पुराना हिंदुओं का धार्मिक स्थल है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, तो पाकिस्तान में ये पास सरोवरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम है पंज तीर्थ, और ये पाकिस्तान सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया गया है, तो ऑप्शन है सी पंज तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस विद्यालय के छात्रों की आत्महत्या की घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, तो ये है नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए एक समिति गठन की गई है कि अगर आत्महत्या से मामले सामने आते हैं तो ये कमेटी इनका जांच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया री एश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये क्या है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि हम जान रहे हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ऑप्शन है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का उद्घाटन किया है, ये किया गया है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, ऑप्शन हो जाते हैं हमारे ए हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन है ये जिन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 आयोजित किया जाएगा, इंडस फूड 2019 जो है ना ये उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा, यहाँ मैंने राज्य की बात की है, अगर शहर की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये इंडस फूड 2019 का उद्घाटन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक टेलीस्कोप एक्सकैलिबर यंत्र को लॉन्च किया है जो दूर के जितने भी न्यूट्रॉन सितारे होते हैं, ब्लैक होल होते हैं, अन्य विदेशी आकाश पिंड जो है उससे आने वाली जो एक्स रे है ना उसका विश्लेषण करेगा, इस टेलीस्कोप का नाम है एक्सकैलिबर यंत्र, और ये किया गया है अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा, ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए अमेरिका। नेक्स्ट वन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है, तो देखिए ये किया गया नई दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन है ये नई दिल्ली में ये हुआ है। भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में 4 से 13 जनवरी तक किया जाएगा, ये भी नई दिल्ली में होगा, 4 से शुरू हो गया है, 13 जनवरी तक चलेगा भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव, ऑप्शन हो जाते हैं ये नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 4,500 करोड़ रुपए से सड़क राजमार्ग परिवहन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रेलवे संस्कृति पर्यटन पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, ये इन्होंने किया है उड़ीसा में, ऑप्शन हो जाते हैं उड़ीसा।
कौन सा शहर 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करेगा? ये करेगा वडोदरा। ऑप्शन है ए, वडोदरा गुजरात में है जो, और ये 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करेगा। भारत सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और किस ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया है? जैसे कि हम जान रहे हैं उस बैंकों में देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक का विलय हुआ। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलज ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया है। ऑप्शन है ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2018 में राष्ट्रीय महत्व के लिए कितने स्मारक घोषित किए हैं? तो इन्होंने 6 स्मारकों को घोषित कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाते हैं ये 6। आप देख सक रहे हैं ये 6 स्मारक कौन है। नागपुर महाराष्ट्र में उच्च न्यायालय भवन, आगरा में 2 मुगलकालीन स्मारक आगा खान की हवेली और हाथीखाना, राजस्थान में नीमा रानी बावड़ी, उड़ीसा में रानीपुर झारिल में मंदिरों का समूह और उत्तराखंड में कोतली में विष्णु मंदिर। किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार का परीक्षण किया है जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है? कि ये मदर है, मतलब ये कह लीजिए कि जितने तरह के बॉम्ब हैं ये सबकी माँ है। ठीक है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा गया है, तो ये किया गया चीन के द्वारा। ऑप्शन है ये चीन। भारत सरकार के अनुसार देश के कितने जिलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शामिल किया गया है? लिंग अनुपात को लेकर ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई थी और इसमें ये था कि लड़कियों को आगे पढ़ाना, आगे बढ़ाना है, लड़कियों को बचाना है, तो इसमें 640 सभी जिलों को शामिल किया गया है। किस शहर में 6ठा भारतीय महिला जैविक उत्सव आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा चंडीगढ़ में और ऑप्शन है ये चंडीगढ़। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एक हफ्ता के पूरे जनवरी के, आपके फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स पूरे होते हैं। अगर आप उसमें चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ भी अपडेशन लाऊं, आप में कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से उसमें ज़रूर ध्यान दूंगी और उस पर काम करूंगी। एंड इसके PDF तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप नोटबुक लेकर नोट करना चाहते हो एक्स्ट्रा चीज़ें, बहुत अच्छी बात है, अपॉइंटमेंट्स अलग है, अवार्ड्स अलग है, तो आप उन चीज़ों को कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी एंड मैंने इसमें डिटेल नहीं बोला क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन से डिटेल सुनेंगे तो आप खुद भी बोर हो जाओगे। ठीक है ना, तो चीज़ें वो पढ़नी है जो कि हमारे कंप्लीट हो। एक हफ्ता आप डेली करंट अफेयर्स देखें और इसमें आके आप अपना रिवीजन कर लीजिए, तो चीज़ें आपकी अपडेट रहेंगी। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि आप मुझे अन अकेडमी पर भी नाना दुबे से फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।